बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं वहाँ मोहम्मद नमान कयूम, तुसी देख दे पे हो गंधारा हिंको टीवी। आज दी ताज़ा खबरां, पाकिस्तान ने भारत नूं करारा जवाब देंदे हुए दो भारतीय जहाज़ां नूं तबाह कर दिता वे, जिस दे नतीजे दो भारतीय पायलट हलाक हो गए हन, जबकि एक पायलट नूं गिरफ्तार कर लिता गया वे। पाकिस्तान की तरफ से अज भारत नूं करारा जवाब दे दिता गया वे। डी जी आई एस पी आर मेजर जनरल आसिफ गफूर के मुताबिक पाक फिजाइया ने पाकिस्तानी हदूद वरने वाले दो जहाजों तबाह कर दिता वे, जिन्हें सवार दो भारतीय पायलट्स हलाक हो गए, जबकि एक नूं गिरफ्तार कर लिया गया वे। आसिफ गफूर बाजवा ने किया कि पाकिस्तान के कोल भारत की दरअंदाजी का जवाब देने के सिवा कोई चारा नहीं आया। लाइन ऑफ कंट्रोल से कशीदगी के बाद लाहौर, इस्लामाबाद, पिशोर समेत दीगर हवाई अड्डिया के फिजाई ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया गया है। लाहौर के अलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के मैनेजर के मुताबिक चीन के एयरपोर्ट से आने वाली परवाज को वापस भिजवा दिया गया है, जबकि अंदरूनों बैरूने मुल्क जाने में आने वाली परवाजा का हुक्म आसानी रोक दी गई। गैस के बिलों के हवाले नाल इंक्वायरी रिपोर्ट वजीर आजम इमरान खान को पेश कर दी गई है, जिस इंकशाफ होया वे कि 30% सार्फीन नूं इजाफी बिल भेजे गए हन। वजीर आजम ने हिदायत की है कि जिन्हें 30% सार्फीन नूं इजाफी बिल भेजे गए हन, उन्होंने वसूल शुदा तमाम इजाफी रकम वापस की जाए, जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। वजीर आला महमूद खान ने भारतीय फिजाइया की तरफ से लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी की शदीद मजम्मत करते हुए किया कि भारत खिते दहशतगर्दी फरोग देने से बाज रहे। पाकिस्तानी कौम मुल्क के दिफा वसे पाक अफवाज के नाल ही उन्होंने इन ख्यालात का इजहार सूबाई काबीना के इजलास की सदारत करते हुए किया। पाकिस्तान ते भारत के दरमियान कशीदा सूरत हाल की वजह नाल डॉलर मजीद महंगा हो गया है। इंटर बैंक डॉलर की कीमत 36 पैसे का इजाफा हो गया है, तो डॉलर 138.87 से वध के 139.23 रुपये की सतह से पहुँच गया है। गंधारा हिंको अकैडमी ने जरा तमाम बच्चों की तफरी ते उन्हें हिंको जुबान के हवाले नाल शऊर उजागर करने वास्ते सबक कामोस हिंको डबिंग कार्टूना की सोशल मीडिया से भरपूर पजीराई की जाती पई है। ये कार्टून फेसबुक समेत व्हाट्सएप के ग्रुपा से भी छा गए हैं, तो अवामी हल्कियां ने इन्होंने कार्टूना पसंद किया जाता पिया है। आईसीसी ने किया कि वर्ल्ड कप पाक भारत मैच ना होने का कोई इशारा नहीं मिला। पाकिस्तान ते भारत के दरमियान वर्ल्ड कप में मुकाबला 16 जून को मैनचेस्टर में होगा। भारत की तरफ से मैच के बायकॉट के हवाले नाल मुतालबात सामने आए हैं। इसके बावजूद आईसीसी ने किया है कि दोनों मुल्कां के दरमियान मैनचेस्टर में वर्ल्ड कप मैच ना होने का कोई इशारा नहीं मिला। नामवर पाकिस्तानी अदाकार शान ने पाकिस्तान में भारतीय फिल्मों की नुमाइश पर पाबंदी का खैर मकदम किया है, तो इसे पाकिस्तानी सिनेमा वास्ते एक अच्छा इकदाम करार दिया है। गुज़श्ता रोज़ वफाकी वज़ीर इत्तला'आत फवाद चौधरी ने पाकिस्तान में भारतीय फिल्मों की नुमाइश पर मुकम्मल पाबंदी का ऐलान करते हुए किया कि सिनेमा एग्जीबिटर एसोसिएशन की तरफ से भारतीय फिल्मों के बायकॉट के बाद हूँ कोई भी भारतीय फिल्म पाकिस्तान में रिलीज ना की जा सकी। इस दे नाल ही अज की खबर खत्म हुई, नवी खबर हाजिर हो सी। अल्लाह हाफिज।